नेक्स्ट आई न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज पांच के तड़का में। जानते हैं आप कि हम जब भी ये प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहाँ पर आप सभी को रूबरू करवाते हैं पांच ऐसी खबरों से जो दिन भर की गॉसिप का कारण बनी होती हैं। जी हाँ, क्या कुछ हो रहा है बी टाउन में आप ये सब भी जानते हैं। तो वहीं जहां पर इन दिनों दीपिका रणवीर की शादी छाई रही, तो वहीं आप देखेंगे कि शादी के बाद दीपिका पादुकोण की सौतन सामने आ गई है। जी हाँ, जहां हाल ही में शादी हुई है तो सोशल मीडिया पर सौतन की खबरें भी आने लग गई हैं जो आपको दिखाएंगे हम इस खास प्रोग्राम में। वहीं आप जानेंगे कि भाई क्या कुछ चल रहा है बाकी बी टाउन में, क्या कुछ हो रहा है बाकी एक्ट्रेस की जिंदगी में जो हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपके इंतजार को अब खत्म करते हैं, दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। फाइनली बॉलीवुड का सबसे ज्यादा खूबसूरत कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शादी के बंधन में बंध गए। जी हाँ, आपको बता दें कि दीपिका और रणवीर सिंह की शादी जो है दो रीति रिवाज में की गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब तक एक रीति रिवाज में दोनों की शादी हो चुकी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल भी अब बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल इस चीज का इंतजार इन दोनों के फैंस बेसब्री से कर रहे थे कि आखिरकार कब दीपिका और कब रणवीर सिंह की शादी होगी। तो ऐसे में जहाँ पर हर कोई इनकी शादी से खुश है तो वहीं ऐसा लग रहा है कि अब बॉलीवुड के एक्टर जिम सौरभ अब खुश नहीं है। दरअसल आपको जिम सौरभ के बारे में याद दिला देते हैं, दरअसल फिल्म पद्मावत तो आप सभी ने देखी होगी, जहां पर फिल्म पद्मावत में जिम सौरभ ने खिलजी के दोस्त का किरदार निभाया था, यानी कि रणवीर सिंह के दोस्त का किरदार वो इस फिल्म में निभा रहे थे जहां पर वो रणवीर से प्यार करते हैं। तो वही सोशल मीडिया पर अब सौरभ को लेकर तमाम मीम्स बनाए जा रहे हैं, तमाम ट्रॉलिंग उन पे हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि रणवीर की शादी से सबसे ज्यादा दुख जो है वो सौरभ को हुआ है। कहीं ना कहीं ट्रॉलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि भाई शादी के बाद दीपिका की सौतन सामने आ गई है। जी हाँ, इस बात के लिए भी कहा जा रहा है कि सौरभ उस फिल्म में रणवीर सिंह से प्यार करते थे, तो वही जहां रणवीर ने शादी कर ली तो सौरभ इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है। जहां पर इटली में इन दोनों ने साउथ इंडियन रीति रिवाज से शादी कर ली। जी हाँ, आपको बता दें कि शादी के पहले से ही दीपिका और रणवीर सिंह की भविष्यवाणी की जा रही है। जी हाँ, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये भविष्यवाणी की जा रही थी कि दीपिका और रणवीर सिंह आपस में काफी ज्यादा खुश रहेंगे, मगर उसके बाद शादी जहां पर हो चुकी है तो वही अब तमाम सोशल मीडिया पर भविष्यवाणी की जा रही है कि दीपिका और रणवीर सिंह की शादी नहीं चलेगी। जी हां, कहा जा रहा है कि दोनों की कुंडली में कुछ ऐसे गुण हैं जो आपस में नहीं मिलते, जिसके चलते आगे जाकर इनकी शादी में तमाम दिक्कत भी आ सकती है। और तो साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शादी के कई सालों के बाद जाकर ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, जहां पर हाल ही में शादी के बंधन में ये बंधे हैं। जहां पर हाल ही में इटली में इन दोनों ने साउथ इंडियन रीति रिवाज से शादी की है, वहीं आज यानी कि 15 नवंबर को ये दोनों सिंधी रीति रिवाज में शादी करने वाली हैं। तो शादी के बाद ऐसी खबरों का आना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। हाल ही में शादी के बंधन में बन चुके दीपिका और
रणबीर जहां पर इटली में इन दोनों ने शादी कर ली। जी हां, दरअसल इस चीज का इंतजार, इस पल का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे, जो फाइनली खुशखबरी फैंस को मिल चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि दीपिका और रणबीर ने दो रीति रिवाज में शादी की है। जहां पर अभी एक रीति रिवाज में शादी हो चुकी है, तो वहीं अभी दूसरे रीति रिवाज में शादी होना बाकी है। आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर दीपिका और रणबीर सिंह के बच्चों को लेकर तमाम चीजों की बातों का जिक्र किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण की कुछ बचपन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर उन तस्वीरों को देखकर फैंस ये कह रहे हैं कि दीपिका और रणबीर के बच्चे भी उन्हीं की तरह सुपर क्यूट होने वाले हैं। वहीं फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है, जहां पर बॉलीवुड का खूबसूरत कपल शादी के बंधन में बन चुका है। हाल ही में शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल दीपिका और रणबीर, जहां पर इटली में इन दोनों ने शादी कर ली, तो वहीं शादी के बाद इन दोनों की पहली तस्वीर सामने आई है। जी हां, आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं किस तरह से यहां पर दीपिका और रणबीर सिंह व्हाइट कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि साउथ इंडियन रीति रिवाज से शादी हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हर एक इंसान सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहा है। अगर बात करें दीपिका और रणबीर की, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से रणबीर सिंह यहां पर व्हाइट धोती पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। वाकई इन तस्वीरों का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे, जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। हाल ही में बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत कपल कहलाए जाने वाला दीपिका और रणबीर शादी के बंधन में बंध चुके हैं। जी हां, 14 नवंबर को दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, तो वही हाल ही में 15 नवंबर यानी आज के दिन वो सिंधी रीति रिवाज से शादी करेंगे। तो वहीं क्या आप जानते हैं कि आखिरकार दोनों ने 15 नवंबर की तारीख को क्यों चुना? दरअसल आपको बता दें कि पंडितों की माने तो 14 और 15 तारीख को कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, मगर उसके बावजूद भी दीपिका और रणबीर सिंह ने इसी दिन को चुना। दरअसल कहा जा रहा है कि फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में दीपिका और रणबीर की अफेयर शुरू हुआ था। जी हाँ, इस फिल्म के दौरान इन दोनों का डेटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, और जब ये फिल्म यानी कि 15 नवंबर को रिलीज हुई थी, तो उन्होंने 6 साल पहले ही सोच लिया था कि ये दोनों किसी तारीख को शादी करेंगे। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा 5 का तड़का, जहां पर हमने तड़क भड़क और गॉसिप खबरों से आप सभी को रूबरू करवाया। आपने देखा किस तरह से हम कौन सी सौतन की बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल आप में से सभी लोगों ने फिल्म पद्मावत तो देखी होगी। फिल्म पद्मावत में जहां पर रणवीर सिंह खिलजी का किरदार निभा रहे थे, तो वहीं उनके साथ एक खास मित्र भी था। जी हां, जो मित्र खिलजी से मोहब्बत करता था। जी हां, आपने देखा किस तरह से सोशल मीडिया पर उस मित्र को लेकर तमाम मीम्स बनाए जा रहे हैं कि रणबीर की शादी से वो काफी ज्यादा दुखी है। कहीं ना कहीं तो ये भी कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण की सौतन है वो, जहां पर इन दोनों की शादी हो चुकी है, शादी के बंधन में ये बंध चुके हैं, तो वहीं ये काफी ही खुशी का माहौल भी रहा। बाकी खबरों से आप रूबरू हो चुके हैं कि आखिरकार बी टाउन में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मगर तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।